हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं गोलगप्पे की रेसिपी आप सभी लोगों से शेयर करूंगी। गोलगप्पे बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले मीठी और तीखी चटनी बनाऊंगी, साथ ही में आलू की जो स्टफिंग्स होते हैं उसके साथ सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तीखी और मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 8 से 9 खजूर को बीज निकाल के भिगोया है। यहाँ पर मैंने 8 लोगों के लिए गोलगप्पेज बनाए हैं। ईच पर्सन विल हैव 18 गोलगप्पेज। उस हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया है। जितने भी लोगों के लिए बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है, उसको पानी में मैंने भिगो के रखा है। 1 कप इमली ली है, इसे भी मैंने पानी में भिगो के रखा है। इसे 1 घंटे तक भिगो के रखना है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप बटाना लिया है, जिसे मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रखा है। अब मैं एक मिक्सर ग्राइंडर पे गुड़, इमली के पल्प और खजूर डाल दूंगी और इसका एक पेस्ट बना लूंगी। मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें मैं अपने पेस्ट जो है वो डाल देती हूँ और इसे हल्का सा गरम कर लेती हूँ। इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार काला नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं बनाऊंगी तीखी चटनी। तीखी चटनी बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर में मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी भर धनिया के पत्ते लिए हैं, 1 मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते डाल देती हूँ, 6 हरी मिर्च, बारीक कटे हुए अदरक, 1 चम्मच काला नमक डाल के इसका एक पेस्ट बना लूंगी। अब आलू की स्टफिंग्स की तैयारी शुरू करते हैं। आलू की स्टफिंग्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 kg आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून काली मिर्च। तो मैंने यहाँ पे टोटल 144 गोलगप्पेज बनाने के लिए आलू लिया है। आप जितने भी लोगों के लिए बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से आलू ले। फिर मैंने जो बटाना भिगो के रखा था मैंने वो भी डाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/4 स्पून नमक डाल के इसे अच्छे से मैश करूंगी। फिर मैं डाल दूंगी 1 कप बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते और 1 मीडियम साइज बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी। अब इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून इमली के पल्प डाल दूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हाथों से मैश कर लूंगी। मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया है, इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून हरी चटनी डाली है। अब मैं इसमें 1/2 कप इमली के पल्प डाल दूंगी, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दूंगी, 1 मीठी चटनी में भी डाल देती हूँ, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे, डाल देती हूँ तीखा और मीठा चटनी में, 2 से 3 चम्मच पानीपुरी मसाला डाल दूंगी, 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल दूंगी। मीठी चटनी में भी बर्फ डाल देती हूँ, बर्फ चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा बूंदी डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहे तो डाल सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मीठी चटनी बनाने की प्रोसीजर भी सेम है जिस तरह से हमने तीखी चटनी बनाई है। आलू की स्टफिंग में मैं टेस्ट के लिए चाट मसाला डाल देती हूँ। कुछ पूरी जो हमारी टूट गई थी वो मैं क्रश करके आलू की स्टफिंग्स में डाल दूंगी। तो हमारे गोलगप्पे बनके तैयार है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं कि आपकी कैसे बनी है। And I hope you guys liked the video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. And also press the bell icon so that you will be notified whenever I'm on YouTube. Bye!